किसी भी पार्टी के पास चेहरे की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस में भी यहाँ पर चेहरे की कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे नेताओं की लंबी लाइन है और उन्हें यहाँ से भेजना चाहिए था। अब यहाँ की जनता को समझने की बारी है कि ये क्या छत्तीसगढ़। देखिए, 3.5 वर्षों से प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी केवल छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं। अब राज्यसभा से भी उनको 2 अपने सदस्य भेजना चाहिए था, लेकिन ये कोई बिहार के हैं तो कोई दिल्ली के हैं, तो ये कैसा छत्तीसगढ़ियावाद है? ये एक बड़ा प्रश्न है। विपक्ष के भी लोग इसको उठा रहे हैं, इसके साथ साथ इस प्रदेश की जनता के मन में भी सवाल है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं, लेकिन जब उनको कुछ करने की बारी आती है तो वो पूरी जिम्मेदारी वो जनपद दिल्ली का जो 10 जनपद है उनके ऊपर छोड़ देते हैं, और वो जो कहते हैं वो यहाँ से कर रहे हैं। इसमें आप लोगों को टीएस बाबा से पूछना चाहिए कि भाई इस जिले को क्यों रिक्त कर दिया गया, और आप लोगों के माध्यम से टीएस बाबा से भी मेरा सवाल है कि जब 2018 में विधानसभा चुनाव चल रहा था तो उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया कि मैं आने वाला मुख्यमंत्री हूं, तो सरगुजा संभाग की जनता ने छप्पर फाड़ के कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया और पूरी की पूरी 14 विधानसभा की सीटें उनके पास आई। तो उनको खुलकर जनता की मदद करनी चाहिए, काम करना चाहिए। वो अपनी लड़ाई हार रहे हैं और क्षेत्र की जनता का नुकसान कर रहे हैं।